हाँ हरि कुमार जी, मेरा ये कहना है कि राजस्थान की हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक बात, तो राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल से गहलोत साहब की सरकार को देख रहे हैं, उनके कामकाज को देख रहे हैं। हम अगर ये मान के चल रहे कि भी इस टाइम में जो मैनिफेस्टो में चीजें कही जाएंगी, जो फ्री वाइज दी जाएंगी, पूरा का पूरा चुनाव उन पे केंद्रित हो जाएगा और वही हर जीत को तय कर देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप एग्जाम्पल लीजिए कर्नाटका के चुनाव की, कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी और वो 5 फ्री वाइज की बात करते थे उसमें, मतलब महिलाओं के लिए बसों में आना जाना फ्री था और कुछ बेरोजगारी का भत्ता, इसलिए कुछ कुछ मिला के 5 चीजें थी। लेकिन अगर उन फ्री वाइज को कर्नाटका के चुनाव से हम हटा दें तो उसके बावजूद भी वहां पर बीजेपी की सरकार हारती दिखाई पड़ रही थी, उन प्रोमिसेस के पहले भी वो हारती दिखाई पड़ रही थी। अभी भी गहलोत साहब को ऐसा नहीं है कि इसी 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 चुनाव में और इसी मैनिफेस्टो के माध्यम से कोई फ्री वाइज बांट रहे हैं। अभी हम मैं भी गया था राजस्थान में, उनकी कई स्कीमें जो कि काफी पॉपुलर हैं, जो एक 25 लाख रुपए के हेल्थ बीमा की स्कीम है ये इनकी काफी पॉपुलर है, एक उन्होंने महिलाओं को और लड़कियों को स्कूल कॉलेज गर्ल्स को उनको मोबाइल बांटने काफी पॉपुलर है, एक वो अभी कोई एक फूड किट बांटते हैं जिसमें के 1 किलो चावल तेल मसाला शुगर वगैरह वो सब चीजें मिलती है, वो 300 रुपए की किट के करीब होती, उसका प्राइस बता वो हर महीने परिवारों को मिल रही है, वो पिछले 4-5 महीने से मिल रही है, उसका असर वहां पे दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें पहले से चल रही है, बहुत सारी चीजें, ये सारा का सारा चुनाव इन फ्री वाइज पे केंद्रित हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ थोड़ा सा एक वो मतलब अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की डिबेट, लोगों में एक चर्चा का विषय, वो सारी चीजें वो बनती हैं, लेकिन मतलब मतदाता भी अभी यहाँ पे 70-75 साल से लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो जो पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस है वो मतलब ये कि वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी, ये फ्री वाइज जो है उसमें ऐड करेंगे। और फ्री वाइज का सिलसिला नेशनल लेवल पे तो 2009 के चुनाव में आपको ध्यान होगा कांग्रेस ने 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे, और बताते हैं कि कांग्रेस की उस विक्ट्री में, 2009 की विक्ट्री में उन कर्जों ने काफी योगदान प्ले योगदान किया। मोदी साहब ने 2019 के चुनाव से पहले किसानों को सम्मान निधि देने का घोषणा की और 6,000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं। उसके बाद में कोरोना पीरियड में उन्होंने ये फूड की स्कीम शुरू कर दी, 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलता है। अब उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव होते हैं, जब हम लोग वहां पे गाँव में उन चीजों को कवर करने जाते हैं, तो दो चीजें हमेशा सुनने को मिलती है कि साहब मोदी साहब का ये वो आती है, सम्मान निधि आती है और ये फ्री का खाना मिलता है। तो अब वो तो उन्होंने शुरू की है। अच्छा फिर फ्री वाइज कोई बुरी चीज नहीं है, फ्री वाइज तो मतलब किसी भी वेलफेयर इकोनॉमी की मतलब एक नेसेसिटी है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा फ्री वाइज अगर कहीं चलती है तो तमिलनाडु के इलेक्शन में चलती है। क्या तमिलनाडु की इकोनॉमी बैठ गई? क्या तमिलनाडु का ग्रोथ रेट कम हो गया? तमिलनाडु की इकोनॉमी पूरे कंट्री में सबसे बेहतर इकोनॉमी है, तमिलनाडु की गवर्नेंस पूरे कंट्री में सबसे बेहतर गवर्नेंस है, तमिलनाडु की ब्यूरोसी पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा अकाउंट है, और तमिलनाडु में एक भी ऐसी चीज नहीं है कॉमन आदमी यूज की जो फ्री वाइज के फॉर्म में आपको नहीं मिलती हो। आपको मकान बनाओ तो आपको सीमेंट और लोहा तक मिलता है, रेत भी मिलता है, आपके घर के काम के लिए गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा और वो मिक्सी, वो सारी चीजें मिलती हैं, आपको पंखा मिलता है। जयललिता के नाम से उनके उनके रिजीम में अम्मा पंखा, अम्मा सीमेंट, अम्मा ड्रेस, अम्मा सोना, अम्मा खाना, ये हर चीज फ्री मिलती थी। उसके बावजूद भी तमिलनाडु की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इस कंट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां जाता है, सबसे ज्यादा वहां के सारे जो सरकार के तंत्र, हेल्थ और एजुकेशन, वो सबसे ज्यादा फंक्शनल है। तो फ्री वाइज कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, और सरकारों को अपनी इकोनॉमिक संसाधनों में अपना टैक्स बेस उनको बढ़ाना चाहिए, अपनी टैक्स की कंप्लायंस उनको बढ़ानी चाहिए, और उससे वो इतने संसाधन जुटाएं जो लोगों को, और इन सब जो स्टेट हैं, जो हमारी नॉर्थ की स्टेट हैं जिनको हम बीमारू स्टेट भी कहते हैं, उन सब में इन फ्री वाइज की ज्यादा जरूरत है, आदमी को बहुत राहत मिलती है। अभी गया था राजस्थान में तो एक चीज की बड़ी सुनने को मिलती थी कि जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि साहब हम गहलोत साहब को सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करोगे? कि साहब 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है हमको। अब अगर मान लीजिए किसी परिवार में दो, एक आदमी बुजुर्ग है, एक महिला बुजुर्ग है, और उनको 2,000 रुपए महीने के आते हैं, तो साल में 24,000 रुपए मिल जाते, तो उनकी उनके तो लाइफ स्टाइल ही एकदम से बदल जाए, गाँव में उतनी लिविंग कॉस्ट तो ज्यादा होती नहीं। तो अगर आपको 24,000 रुपए साल में मिल रहे हैं इसी बात के, बाकी जो उनको सम्मान निधि किसान की वो अलग से मिलेगी, तो ये सिलसिला इस देश में रुकने वाला नहीं है। ये जो आप उन्होंने 500 किया, इन्होंने 450 कर दिया, वो 400 को 400, ये तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, ये चलती रहेगी, इसके 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 इसका कोई एंड नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, आफ्टर ऑल लोगों को तो इसमें भला ही होगा, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव इस पे आके आधारित हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी हम गए थे तो लोग बहुत सारे की बातें करते थे, अब जैसे गहलोत साहब की शिकायत थी कि साहब इनके राज्य में पेपर बहुत लीक होते हैं, कुछ लोग काउंटिंग करके बता रहे हैं सब 18 पेपर लीक हुए, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष उनका नाम उसमें लिया जाता है, दो तासरा जी का, कि भाई वो उनके जमाने में तो और कुछ नहीं होता था, पेपर लीक होते। अब जो आदमी, जो कैंडिडेट बेचारा 5-5, 6-6 महीने अपनी तैयारी करके एग्जाम देने के टाइम पे आ जाता, वहाँ पे पेपर लीक हो जाता, बड़ा कष्ट होता है इस बात से।
तो ऐसा बात नहीं कि सारी की सारी चीजें वो बहुत शिकायतें हैं। और एक जब आप 5 साल सत्ता में रहते हैं तो एक आपकी एंटी इनकम में सी होती है। विजय जी अभी बता रहे थे कि पिछले चुनाव में मात्र 0.5% 0.54% का बहुत ही क्लोज वोटिंग पैटर्न था। तो अब ये फ्री वाइज जो है वो जीता पाएंगी गहलोत साहब की नहीं, आप पार कराएंगी नहीं करा पाएंगी अभी, मतलब मैं कुछ तो फिर हरी भाई ये बताइए कि फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि फ्रीबाइज कोई फ्रीबीज जो है वो चुनाव को डिसाइसिव टर्न नहीं दे सकते, तो फिर चाहे 450 करोड़ 450 रुपए में दे सिलेंडर या 400 रुपए में सिलेंडर दे, क्या फर्क पड़ने वाला है इसे? तो ये कंपटीशन क्यों है फिर? डिसाइसिव टर्न नहीं दे सकते लेकिन एक एज दे सकते हैं, और जहां पे बहुत क्लोज कंपटीशन की फाइट है जो कि राजस्थान में होती दिख रही है उसमें वो थोड़ा बहुत आपको एज दे सकते हैं। जब जहां पे के मतलब 0.5% से इलेक्शन डिसाइड होएगा तो वो तो फिर एज आपको मिल सकती है ना। अब जैसे उन्होंने घोषणा कर दी केंद्र सरकार 5 लाख रुपए का बीमा देती है, वो 25 लाख का बीमा दे, बहुत सारे लोग उसके बेनिफिट मिले, बताया लोगों ने कि साहब हमारा जो इलाज फ्री हो गया, हमारा घुटना फ्री में बदल गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज। अब उसको 50 लाख का भी 25 लाख को भी वो कह के 50 लाख, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो ये आएगा ना कि भाई ये मतलब हमारी ज्यादा भले की सोच में तो हम इनको वोट दें। अब वो जो थोड़े बहुत वोट हैं पूरे के पूरे राजस्थान में 10-20-50 लाख वोट ही आपको जो है जिता देंगे या आपको हरा देंगे। अनिल जी डिसीजन होंगे वोटर के पार्ट पे, उसमें ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। बाकी बहुत सारे बड़े 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 फैक्टर्स हैं जो कि 5 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे मतदाता डिसाइड करेंगे हमने इनको वोट देना है कि नहीं देना, लेकिन जो एजिस पे बैठे हुए हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो फ्रिंज वोटर है, वो इलेक्शन को डिसाइड कर देगा। बिल्कुल। बट अनिल जी अब ये जो बीजेपी की जो का मैनिफेस्टो है उसका कोई फेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक फेस है। वहां अशोक गहलोत स्पष्ट तौर पर है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी है, उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ योजनाएं भी की जिससे उनका आइडेंटिफिकेशन है। बीजेपी की तरफ से अगर कोई एक फेस है तो नरेंद्र मोदी है, तो क्या ये पूरा का पूरा चुनाव इन फ्रीबीज के माध्यम से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी, आज की तारीख में अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी है। और विजय जी ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करा था, इसको जो बोल रहे थे वो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करा कि बेसिकली वोट डिफरेंस भी कम था, और उसके अलावा जो फ्रीबीज की हम बात कर रहे हैं कितनी फ्रीबीज किसने दी उसमें कंपटीशन भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। अगर राजस्थान में आप देखें काफी कंपटीशन चल रहा है, और आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो जो आपने शुरू में दिखाया था उनका देखें, कांग्रेस का देखें। पहली बात, मैं हरी जी की बात से बड़ा एग्री करता हूं कि मैनिफेस्टोस के ऊपर इलेक्शन ना तो जीते जाते ना हारे जाते, बिल्कुल ईमानदारी की बात है ये। उन्होंने जो बात पर अशोक गहलोत के साथ, हरी जी आपको भी एड्रेस करके एक चीज बोलूंगा, अशोक गहलोत इन चीजों को स्कीम्स को डिलीवर कर पाए, और डिलीवर करके उन्होंने दिखाया। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो डिलीवर करके दिखा पाए तो लोगों का विश्वास तो है, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है जिसका आपने नाम लिया कि मैंने घुटना चेंज कराया या ये कराया, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। उन्होंने ये भी डिलीवर करके दिखाया कि 1000 रुपए की पेंशन भी मैं बुजुर्ग लोगों को दे पा रहा हूं। तो कम से कम लोगों में एक चीज तो ये जागी कि आदमी वापस अगर जीत के आया, जो कमिट कर रहा है वो शायद ये डिलीवर कर सकता है। ये मैं मानता हूं चुनाव फ्रीबीज पे नहीं जीत सकते हो, कई और चीजें भी होती हैं, जैसे आपने पेपर लीक बोला, बिल्कुल सही बात है, पेपर लीक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। पर आप दूसरी तरफ जाएंगे, अगर आप शेखावटी रीजन की तरफ जाएंगे तो आप दूसरी आवाज सुनेंगे, वो कहते हैं अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, मतलब आप देखिए उनके लिए पकड़ो, सॉरी वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादातर सेना में जाते हैं, और सेना में जाने का मतलब ये है कि बेसिकली उनको अग्निवीर से प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं करते हैं, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो वहां के युवक है बोलते हैं हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी अग्निवीर देखे खराब दोनों है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो मतलब एक को एक नलीफाई कर रहा है एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है। पेपर लीक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लोगों की डिमांड, दूसरी जगह पे अग्निवीर है। तो मेरा मानना यह है कि अशोक गहलोत की जो फ्रीबीज हैं, या फ्रीबीज नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं इनको वेलफेयर स्टेट इकोनॉमी का पार्ट मानता हूं जो कि इंग्लैंड में है, कई जगहों पे है, उस हिसाब से अशोक गहलोत ने जो दिया वो जनता का पैसा जनता को दिया, बेसिकली इट इज आर मनी जिसको हमें हैंड ओवर करा गया वापस। तो मेरा मानना आशुतोष जी ये कि आज की तारीख में अशोक गहलोत को जो एज दे रहा है वो सिर्फ उनकी जो 10 योजनाएं थी पहले की और 7 जो गारंटीज दे रहे हैं वो उनको पुशअप दे रहा है, उनको मोमेंटम दे रहा है। अब वो चुनाव में कितना तब्दील होगा वोटों में ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये हमारे लिए नहीं आशुतोष जी,
ये पूरे इंडिया के लिए देखना बहुत जरूरी होगा, क्या ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस आपकी धर्म की राजनीति के ऊपर हावी हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।